हेलो दोस्तों, स्टडी स्टैनो वही मरे ज़्यादा मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज भी आज का जो वीडियो है वो तो दोस्तों हिंदी डिक्टेशंस का वीडियो होगा। जैसा कि आपको पहले ही पता है, मेरे फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ हिंदी वालों में कि हम डिक्टेशंस का जो मैगजीन स्टार्ट कर रहे हैं वो है आनंद आनंद जो आनंद आसुलिपि की जो आपकी बुक आती है हिंदी डिक्टेशंस की, उसके हम उसको अंक उसका 23 स्टार्ट किए हैं। उसका फर्स्ट डिक्टेशन मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें और उसको मतलब लिखें। और उसके उसका जो एक्सरसाइज सेकंड का आज हम सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो डिक्टेशन होगी वो अपनी हिंदी में के माध्यम से होगी और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होगी। ठीक है दोस्तों, तो बी रेडी ऑल ऑफ यू। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, वास्तव में हम अंग्रेजी पर कभी अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ थोड़े से लोगों को छोड़कर हम लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो सकता है। हम अंग्रेजी में अपनी भावनाओं को उतनी अच्छी तरह कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते जितनी अच्छी तरह अपनी मृत भाषा में। हम अपने बचपन के सारे वर्षों की याद जैसे भुला सकते हैं, पर जब हम अपनी उच्चतर शिक्षा जैसे कि हम उसे कहते हैं एक विदेशी भाषा के माध्यम से शुरू करते हैं, तब हम ठीक यही काम करते हैं। इससे हमारे जीवन का क्रम भंग हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत सारी मूल्य चुकाना होगा। मैंने लोगों को यह कहते सुना कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय ही नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनसे आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। यदि ऐसी बात ना होती तो बहुत ही बुरा होता। जो शिक्षा हमें मिलती है हम मात्र अंग्रेजी शिक्षा ही है, हमें उसका कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य दिखना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि पिछले 5 वर्षों में अंग्रेजी भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा मिलती होती तो आज स्थिति क्या होती? आज भारत स्वतंत्र होता। हमारे शिक्षक लोग अपने ही देश में विदेशियों जैसी ना होते, वरना उनकी वाणी देश के हृदय को छूती। गरीब से गरीब लोगों के बच्चे में भी वो काम करते और पिछले 50 वर्षों में वे जो कुछ प्राप्त करते वह राष्ट्र की एक विरासत होती। आज हमारी पत्नियों तक हमारे अच्छे से अच्छे विचारों में सम्मानित नहीं हो पाती। प्रोफेसर वसु और प्रोफेसर राय तथा उनके शानदार अनुसंधानों पर दृष्टिपात कीजिए। क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि आम जनता को उनके अनुसंधानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है? हम इस पर इस समाज की सबसे बड़ी सेवा यह कर सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा की ज्ञान प्राप्ति को जो झूठा महत्व देना सीख गए हैं उससे अपने को तथा समाज को मुक्त करें। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। यह देश की राष्ट्रभाषा होती जा रही है। हमारे
सर्वोत्तम विचार इसी भाषा में व्यक्त किए जाते हैं। अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता में एक विश्वास के कारण हम दास बन गए हैं। इसने हमें सच्ची राष्ट्र सेवा के आयोग बना दिया है। यदि हम आदत से मजबूर ना होते तो हम यह अनुभव कर सकते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। स्टॉप।